गाइस कभी आपने रियलिटी में बैटमैन वाली बाइक देखी है? नहीं देखी होगी। एंड इस बाइक को देख के आपको उस बाइक की याद आने वाली है गाइस। इतनी हैवीली मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल जीटी रॉयल एनफील्ड की आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ गाइस। मैं क्या बाइक है गाइस ये, इसको शूट करने के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर आया हूँ गाइस। 60 किलोमीटर दूर वो खड़ी हमारी i10, उसे तो आप पहचानते ही होंगे। एंड ये है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650। आप गाइस इस बाइक को हर जगह से देख के आपके मुंह से वाव निकलने वाली है। यूके 18 रजिस्टर्ड है, 180 सेक्शन टायर। अभी मैं इसकी डिटेल्ड वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल आरडीवी राहुल। आज की वीडियो होने वाली है इस स्पेशल बाइक की जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल जीटी हैवीली मॉडिफाइड। जितने की बाइक है उतना ही ऊपर इसके पैसा लगा हुआ है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे बात करते हैं इस बाइक के ओनर से कि कितना खर्च किया है उन्होंने इस बाइक पर। एंड गाइस हैट्स ऑफ, जस्ट हैट्स ऑफ टू द ओनर ऑफ दिस बाइक, जिन्होंने क्या शिद्दत से एंड प्यार से इस बाइक को सजाया है एंड बनाया है। गाइस वेलकम मिस्टर गुरशरण जी। हेलो सर एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बाइक, मतलब इतनी सुंदर बाइक मॉडिफाइड मैंने अपनी लाइफ में गाइस कभी नहीं देखी। आपने देखी है कि नहीं? वन इन इंडिया है, ओनली वन इन इंडिया। देखा गाइस, तो मिस मत करना ईच एंड एवरी डिटेल, एक एक चीज डिटेलिंग इस बाइक की कवर करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड, बाइक के इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइस, क्योंकि ओनली वन इन इंडिया बाइक है ये। तो सर शुरुआत करते हैं कि कितने की बाइक लिया आपने और कितना इस पे आपने ऊपर से खर्च किया? तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बाइक ली, मेरी भी पर्सनल फेवरेट। पहले जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो मैंने भी कॉन्टिनेंटल ही बुक कराई थी। मैंने भी एक्चुअली बहुत सोच समझ के, और जो मेरा मोटिव था वो इस लेवल तक आने का था, तभी मैंने ये ली। नहीं तो इस प्राइस रेंज में आप कोई भी सुपर बाइक ले सकते हो इजीली। आपको कितने की बाइक ली आपने? ये मेरे ख्याल में ऑन रोड ऑलमोस्ट 385 तक की पड़ गई थी। इतने की पड़ी थी। कौन सा मॉडल है ये? 2021 ही है। 2021 2021 हाँ जी। मैंने भी 2021 में ली थी, मेरे को पड़ी थी अप्रॉक्स 360,000 की। हाँ जी, आपने ली 385,000? हाँ जी, इतना ही पड़ा था थोड़ा, क्योंकि इसके बाद मैंने जिस दिन बाइक ली उसी टाइम मैंने एग्जॉस्ट सबसे पहले ऑर्डर कर दिए थे, तो उसको मिला के इतने की हो गई। गुरसेवक के एग्जॉस्ट थे वो आज भी मेरे पास पड़े हैं। गुरसेवक बहुत वाइड, बहुत चौड़े। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब सबसे मेन मुद्दे की बात, आपने 385,000 की बाइक ली, ऊपर से कितना लगाया टोटल इस बाइक पे अब तक? टोटल इस बाइक के ऊपर ऑलमोस्ट 3,35,000। 3,35,000 मतलब 385, कितना टोटल हो गया सर? 715,000। 715,000 रुपए में तो आप हार्ले डेविडसन ले सकते हैं आराम से। क्यों नहीं गया सर? ये जो इसकी सिटिंग पोजीशन है और ये जो इसमें वाइब आती है ना, वो हार्ले में भी नहीं आएगी। ये तो है, ये तो मैं भी पर्सनल ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हार्ले आप निकलेगी आपको पहचान में आ जाएगी कि वो हार्ले जा रही है। हाँ है। लेकिन ये बाइक अगर आपके सामने से निकलेगी तो ये अलग ही लुक देती है, बहुत ही आई कैचिंग है। मतलब कोई भी बंदा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये कौन सी बाइक है। हाँ जी, इवन जो जीटी के भी ओनर है ना, कॉन्टिनेंटल के ओनर है, वो भी इसे देखते हैं कि यस कि कुछ काम हुआ इस पे। काम तो हुआ है। एंड ने इस बाइक का शॉट देखा बहुत रिसर्च के बाद। हाँ जी, आपका नंबर निकलवाया। मैंने कहा नहीं, इस बाइक की वीडियो तो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी बस ये आपने जो मेहनत की उसी की वजह से आज हम दोनों यहां पे एक साथ। हां नहीं बिल्कुल। हाँ जी जी, मेहनत करती है, मेहनत का नतीजा है जो बिल्कुल इतनी सुंदर बाइक। सबसे पहले देखें इसकी हेडलाइट, माइनस हेडलाइट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार जला के देखते हैं। इसमें ऊपर लो बीम हाई बीम दोनों LED ही हैं। थ्रो बहुत अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया थ्रो है। एंड ये आपको हैजार्ड लाइट का भी काम कर रहा है। और रात को कहीं प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। कल एक्चुअली हमने नाइट ड्राइव ही करी थी, तो इतना अच्छा थ्रो था जो मेरे साथ बाकी बाइकर से वो भी कह रहे थे कि आप आगे चलो सर। 110 और पता नहीं प्लस का ही है, 110 वॉट का होगा, तो ये काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका। और ये एक्चुअली पहले माइनस वाली खुद इंस्टॉल करवाई थी, उसका थ्रो बिल्कुल बेकार था कि वो बिल्कुल ऐसे ही दिखने में, बट इससे और उससे कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट 70-80% का फर्क है जी। ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल लग रही मुझे हेडलाइट। हाँ ये ओरिजिनल, ओरिजिनल जो साथ में आती है। और अब गाइस देखें इसका मड गार्ड, ये भी कस्टम बिल्ट है, कस्टम बिल्ट है, ये टायर मेटल है, साइज के हिसाब से इसे कस्टम उन्होंने बनाया गया है। और ड्यूल डिस्क लगाई है, उसके हिसाब से भी इसे कस्टम बिल्ड किया गया है। नॉर्मली आपको सिंगल डिस्क आती है, इसमें ड्यूल डिस्क। अच्छा, दोनों डिस्क काम करती हैं? बिल्कुल सर। अरे वाह, ये ठीक है। ये तो जनरली क्या है कि खाली शो के लिए लगाई होती है डिस्क, दोनों वर्किंग में दोनों काम कर रही है। अच्छा, ये भी नई चीज देखी, बहुत बढ़िया। एंड गाइस टायर देखिए,
टायर इसमें बटन टायर्स हैं एंड टायर्स आते हैं, ये पिरेली के टायर है, टायर सेक्शन इज 150 एंड गाइस इतना चौड़ा टायर मैंने अपनी बाइक में पीछे लगाया है एंड इस बाइक में हमें 150 आगे मिल रहा है एंड ये टायर की कीमत मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स 20,000 रुपये के आसपास आराम से, खाली 20,000 का टायर टायर है फ्रंट। तो गाइस डबल डिस्क एंड 320 mm की डिस्क आती है इसमें, हालांकि इसका ये परफॉर्मेंस डिस्क की कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है ऑलरेडी, लेकिन डबल डिस्क लगाने के बाद तो क्या ही कहना। अभी मैं इसकी ड्राइव अभी इसका राइड इंप्रेशन भी लेके आऊँगा लेकिन वो अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इसकी वीडियोस मिलती रहे एंड और कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। एंड इसमें हमें अपसाइड डाउन USD शॉकर्स मिल रहे हैं एंड ये शॉकर लगे हैं डोमिनार के शॉकर लगे हैं एंड ये जो टी है ये कस्टम बिल्ट है पूरी की पूरी CNC, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैवी बनाई है एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन एकदम, ऐसा देख के लग नहीं रहा कि ये जो है आफ्टर मार्केट आपने कस्टम कराई है, लग नहीं रही है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे रॉयल एनफील्ड ने अपने आप ही अपने फैक्ट्री में ही बनाई है ये। एंड इसमें ये देखिए गाइस रेजर वायर्स का मास्टर सिलेंडर, ब्रेम्बो के इसमें ब्रेक, हाँ क्लच भी इसमें ब्रेम्बो का है एंड फ्रंट ब्रेक भी इसमें आपको ब्रेम्बो की मिलेगी। बाकी ये पोर्शन स्विच गियर्स ये ओरिजिनल ही हैं एंड चेंज किया है, हाँ इसमें ये हैंड ग्रिप भी चेंज है, ये भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड इसमें जो हमें मिरर्स मिल रहे हैं वो हमें रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल, इसकी तो लुक का क्या ही कहना। एंड यहाँ पे इंडिकेटर भी देखेंगे वो भी LED, ये भी कस्टम ही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और ओरिजिनल मिलेगी, इसके मीटर्स जो कि साइड में लगाए गए हैं, हालांकि इसमें मॉइस्चर चला गया है, इसको चेंज कराना पड़ेगा। एंड अब आते हैं गाइस इसकी साइड प्रोफाइल में, इसका टैंक देख सकते हैं ब्यूटीफुल था, कॉन्टिनेंटल GT, इसका फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है इस बाइक के साथ ना। एंड अपना कौन सा कलर था वैसे जब आपने लिया था ये? वाइट था, डिलक्स वाइट, डिलक्स वाइट था। चलिए पूरी चेंज करिए फिर ब्लैक एंड ग्रे में इसका कॉम्बिनेशन, फिर इसको डॉक्टर मेहम जो कलर आता था ना ग्रे कलर, बिल्कुल वैसा कलर इसमें टैंक कर दिया गया है। एंड इसमें टैंक आपको यहाँ पे भी टैंक कवर दिया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, ये भी कस्टम बिल्ट है गाइस। एंड ये प्लास्टिक का है, ये तो सेम वैसे की वैसी रखी गई है। एंड गाइस इंजन को भी पूरा पेंट कर दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, कहीं से लग नहीं रहा कि आफ्टर मार्केट पेंट कराया, बहुत ही नीट एंड क्लीन काम, बहुत ज़बरदस्त। एंड इसमें यहाँ पे एग्जॉस्ट कवर्स भी दिए गए हैं, ये भी मेटल के हैं एंड इससे हीट थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे हीट मारती है काफ़ी हीट कम हो जाती है, हाँ थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जैसे 20% का हेल्प करती है। और एक्रोपोविक ओरिजिनल एग्जॉस्ट, हाँ जी एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट है ओरिजिनल एंड दो एग्जॉस्ट ही है ना, सिंगल सिस्टम तो नहीं है ना, हाँ ड्यूअल एग्जॉस्ट सिस्टम ही है। एंड गाइस इसकी सीट देखिए, ये भी कस्टम बिल्ट है एंड पूरा वन पीस है, ये सीट प्लस इसका काउल भी मेटल का है गाइस, मेटल का बहुत काम किया गया है, 3,35,000 रुपये खर्चे हैं। तो कहाँ से कस्टम कराई है उन्होंने ये बाइक? न्यू दिल्ली से है, नीव मोटरसाइकिल करके उनका नाम, मिस्टर नवनीश्वरी, अच्छा वो करते हैं, हाँ जी उनका सारा मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है वो RE के ऊपर ही बेस है। बाइक आप राइड करके लेके गए थे उनके पास? नहीं वो खुद आए थे और यहाँ पे आपके घर आए थे? हाँ जी हाँ जी, मतलब उन्होंने किसी को भेजा था जो बाइक को यहाँ से लेके गया था, वो देन उसके बाद बाइक पूरी रेडी होके प्रॉपरली ये रैप होके यहाँ पे डिलीवर हुई है। तो ये उन्होंने ये फैसिलिटी भी दी आपको 3,35,000 रुपये में, तो छोटे हाथी है उसमें गई होगी बाइक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आपको मिले कहाँ से? वो एक्चुअली मुझे मिले थे इंस्टाग्राम पे ही, अच्छा तो मैंने उन्हें सर्च किया और उनको टेक्स्ट किया कि मेरे पास GT है, मुझे मेरे को भी कस्टम करानी है। हाँ जो मेरा पहले स्कोप था, जो मेरी खुद का माइंड था कि जस्ट टायर एंड सीट और लाइटिंग, तो आपके ये मेरा माइंड था, बट जब उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो मतलब मैं उन्हें ना नहीं बोल पाया कि उन्हें कह दिया कि आ जाओ प्लीज़ लेके जाओ इसे जल्दी, मतलब जो आपने सोचा था उससे बढ़िया काम करके दिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ये लाइट वैसे आपने बाकी बहुत सारी बाइक में देखी होंगी, इसके पूरे जो फ्रेम को है कट करके यहाँ से एंड इस लाइट को बनाया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन काम हुआ है, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं बिल्कुल फिट एंड फिनिश है ना, वो बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे भी इंडिकेटर जो है ये भी हमें आफ्टर मार्केट इसमें दिख रहे हैं, बाकी इसमें इसका तो कोई काम रह नहीं गया। और अब आते हैं इसके रेयर टायर में, रेयर टायर गाइस कितने नंबर का है बताऊँ, ये है 180, ये भी पिरेली का टायर है गाइस, 180/55R17 एंड दिस इज पिरेली का बटन टायर। इसकी चौड़ाई देखिए गाइस, मेरा हाथ जो है वो छोटा पड़ रहा है। एंड इसमें रेयर मड गार्ड देखिए, वो डुकाटी स्क्रैम्बलर टाइप लगाया गया है, वो भी लुक के साथ एकदम परफेक्टली जा रहा है।
पीछे की डिस्क ब्रेक सिंगल ही है, उसे छेड़छाड़ नहीं करी गई एंड उसमें जो है 240 mm डिस्क ब्रेक आती है। इसका एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाते हैं, स्विंग आर्म से कोई पंगे नहीं लिए गए। वैसे गाइस देख रहा हूँ स्विंग आर्म से भी कोई पंगे नहीं लिए, स्विंग आर्म ही ओरिजिनल है। तो इसका मतलब है मैं 150 लगाया तो 180 तक जा सकता हूँ। तो इसमें अलॉय व्हील कौन सी गाड़ी का यूज़ किया गया है? हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन का? हाँ जी। अच्छा, बाइक का नाम नहीं पता? नहीं, हाल ही हार्ले का। तो गाइस बाइक का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अगर आपको पता होगी कौन सी हार्ले में लगा हुआ है अलॉय, मुझे इस बारे में भी नॉलेज नहीं है। नंबर प्लेट UK 18 जो काशीपुर रजिस्टर्ड है एंड ये भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसे लगाया गया है, इसे फिट करा गया है एंड ये भी देख के नहीं लग रहा कि आफ्टर मार्केट है। बहुत ही बढ़िया नीट एंड क्लीन फिट एंड फिनिश के साथ काम किया गया है। एंड इस साइड भी देखिए, इस साइड से इंजन की लुक सबसे बढ़िया आती है। जो आजकल के रॉयल एनफील्ड के इंजन है ना, वो भी जे सीरीज इंजन आ रहे हैं, ये जे सीरीज इंजन है तो 650 पे ही बेस्ड है वो 350 इंजन। तो इसकी जो ये लुक देखेंगे ना आप गाइस, तो ये लुक 650 एंड 350 की ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें छोटा है लेकिन इसमें देखिए कितना बड़ा है, बहुत अच्छी लुक लगती है यहाँ से। एंड यहाँ पे भी एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट कवर दिया गया है एंड गाइस और एक बहुत ही यूनिक चीज़ इसमें लगी है, ये लगा इसमें कॉर्ड लॉक आईफोन्स के लिए। ये भी बहुत महंगा है गाइस, मतलब टोटल सेटअप इसमें हालांकि दो तीन चीज़ें आती हैं, फ़ोन कवर एंड यहाँ पे बाइक हैंडल का लॉक एंड एक वायरलेस चार्जर, तो ये टोटल $400 का पड़ता है। ये भी काफ़ी महंगी है लेकिन इसकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त है। हाई स्पीड पे गड्ढों पे मोबाइल आपका उतरेगा नहीं। ये भी बहुत यूनिक चीज़ देखी है, ये ऐसा कुछ कवर आता है इसमें, इसमें फिटिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त है। हल्का सा पुश करेंगे और दैट्स इट, ये लग जाएगा, ये हिलेगा नहीं। जो मर्जी ला लो आ, इसमें ना वाइब्रेटर लगा हुआ है देखो। अच्छा, तो ये शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है? शॉक उसका भी काम करता है, ये हिलेगा नहीं जैसे मर्जी कर लो। तो गाइस ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी, मुझे तो नहीं लग रहा कि देखी होंगी। बहुत ही सिंपली वन हैंडेड, इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, यानी निकल भी जाएगा चलते चलते। अगर बाइक में चल रहे हैं आप, झटके से नहीं निकलेगा। एंड गाइस और एक बहुत बढ़िया चीज़, इसका सम्प गार्ड, सम्प गार्ड भी बाइक के साथ इतना परफेक्टली मैच किया है शेप के साथ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दिस इज़ ये मेटल का है, ये भी मेटल का है गाइस। तो गाइस उन्होंने पैसे लिए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें फाइबर प्लास्टिक की लगाई हैं, सारी चीज़ें मेटल की लगाई हैं। एंड इसके साइड कवर्स देख रहे हैं, ये सेम थोड़ा मतलब चेंज किया है इसको। ये भी मेटल का है? फाइबर। ये फाइबर है? अच्छा, ये फाइबर है, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। हालांकि जो साथ में आते हैं ओरिजिनल OEM पार्ट आता है वो फ्लैट है बिल्कुल, ये जो फ्रेम के साथ ना फ्लैट जाता है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकले हुए हैं 3D पैटर्न में है, तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। हालांकि ये अगर हम अपनी बाइक पे लगाए तो अच्छा लगेंगे, क्योंकि ना यहाँ से इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल थोड़ी सी ना वीक सी लगती है, पतली सी लगती है, तो ये कवर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बाहर किया है और बढ़िया शेप आ रही है बाइक की। और अब इसे स्टार्ट करके दिखाएं कैसी है इसकी साउंड। तो भाई साउंड की बात करूँ ना, तो AEW जैसी ही है अगर हम रेव कर रहे हैं तो। अगर इनिशियली बाइक खड़ी है तो थोड़ा जो बेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे अपनी बाइक के अकॉर्डिंग। गाइस दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका राइड रिव्यू हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे, तो जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसका राइड रिव्यू भी मिल जाए, कैसी है चलने में, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं इसको। तो डबल डिस्क लगाई है एंड एग्जॉस्ट इसमें एक्रोबॉबिक का लगा हुआ है, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और बाइक अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो गाइस बनता है एंड ज़रूर बनता है। एंड कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या क्या व्यूज़ हैं आपके, क्या क्या रिव्यूज़ हैं इस बाइक को लेकर के, ऐसी बाइक हमने देखी है, क्या क्या आप फीडबैक अपना देना चाहते हैं इस बाइक में। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।